हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम बनाएंगे मुरमुरा का लड्डू, जो कि बचपन में हर कोई खाता था और हर कोई पसंद भी करता था। तो ये बहुत ही इजीली आप इसको घर में बना सकते हैं। तो चलिए बचपन की यादें ताज़ा करते हैं और बनाते हैं इस लड्डू को। सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें हम ऐड करेंगे 2 कटोरी मुरमुरा। हमें गैस की फ्लेम को लो रखनी है और इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे मुरमुरा को, जब तक ये क्रंची नहीं हो जाता, जब तक इसे हमें कुक करना है। तो इसे कंटिन्यू चलाते रहें। ये प्रोसेस में हमें 5 से 6 मिनट का टाइम लग जाता है इसे कुक करने में। इसे हमें कंटिन्यू चलाते रहना होगा। इसका हल्का सा कलर भी चेंज होगा। अभी हम चेक कर लेते हैं ये अच्छे से कुक हुआ कि नहीं। देखो, इजीली टूट रहा है, मीन्स ये क्रंची हो गया है और कुक हो गया है। अभी इनको हम प्लेट में निकाल लेंगे। अभी एक कढ़ाई लेंगे, लो फ्लेम रख के कूटा हुआ जो गुड़ है इसमें ऐड कर देंगे। इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे। इसे हमें अच्छे से मेल्ट करना है और कंटिन्यू चलाते रहेंगे ताकि नीचे से गुड़ लगे नहीं। देखिए, गुड़ जो है मेल्ट हो गया है। इसमें हम ऐड करेंगे 1 चम्मच घी का। इसे हमें गुड़ में अच्छे से मिक्स करना है और कंटिन्यू चलाते रहेंगे। गैस की जो फ्लेम है वो लो ही रखनी है। इसे कंटिन्यू चलाते रहें आप। इसे हमें तब तक पकाना है जब तक हमारी चाशनी बन के तैयार नहीं हो जाती। तो हमें लो फ्लेम ही रखनी है गैस की। देखिए, गुड़ का जो कलर है चेंज हो गया है। अभी हम चाशनी को चेक करेंगे कि ये प्रॉपर बन के तैयार हुई है कि नहीं। 1 कटोरी में हम नॉर्मल पानी लेंगे, उसमें हम 1 से 2 ड्रॉप डालेंगे चाशनी की। अभी हम इसे तोड़ के देखेंगे। ये अच्छे से टूट रही है, टाइट हो गई है चाशनी, मतलब ये रेडी हो गई है। अभी हमने जो कुक किए थे मुरमुरा वो उसमें ऐड करेंगे और जो गैस है उसको 1-2 मिनट के लिए बंद कर देंगे, जब तक इसको मिक्स ना कर लें। मिक्स करने के बाद 1-2 मिनट के लिए वापस चला लेंगे गैस को। फिर इसे अच्छे से मिक्स करना है हमें। तो यह हल्का सा जो है जम जाएगा, इसलिए आप इसको जो है गैस ऑन करके वापस से थोड़ा सा कर सकते हैं। अभी हम एक प्लेट लेके उसमें थोड़ा सा घी लगाएंगे और ये मिक्सचर निकाल लेंगे। अभी जब हल्का नॉर्मल ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम इसके लड्डू बनाना शुरू करेंगे। ये बहुत ही इजीली बन जाएंगे सारे लड्डू को जो है हम बना लेंगे। आप चाहें तो आप इसकी चिक्की भी बना सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे लड्डू बनाए हैं। तो हमारे सभी लड्डू बनके तैयार हो गए हैं। आप देख सकते हैं एकदम मार्केट जैसे बनके तैयार हुए हैं, एकदम क्रंची। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।